हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। तो देखो, ये वीडियो तुम्हारी डिमांड के ऊपर होने वाली है, क्योंकि तुम में से कई लोग ये बोलते हैं हमारे शॉर्ट्स के व्यूज 1 के 2 के आके फ्रीज हो जाते हैं, या फिर पहले व्यूज आते थे और अब बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो हियर द सॉल्यूशन। इस वीडियो में तुम्हें सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट जाओ। तो देखो, यूट्यूब शॉर्ट्स आने के बाद बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनके व्यूज 1 के 2 के आके अटक जा रहे हैं और यूट्यूब उसके बाद उसको शॉर्ट्स फीड में भेज ही नहीं रहा है, तो उसमें व्यूज कहां से आएंगे। तो देखो, इसके लिए तुम्हें पहले शॉर्ट्स के एल्गोरिथम को समझना पड़ेगा। लाइक एक साइड वो क्रिएटर होते हैं जिन्होंने कुछ भी वीडियो डालनी है, उनकी वीडियो 1 के क्रॉस कर ही जाएगी, और दूसरी तरफ वाले वो क्रिएटर होते हैं जो वीडियो तो बना रहे हैं लेकिन उनकी वीडियो पे जीरो व्यूज आ रहे हैं, या फिर उनको पहले आते थे और अब बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ी सी टिप दूंगा, उसको तुम फॉलो करना और समझने की थोड़ी ट्राई करना। देखो, इसके लिए तुम्हें एक वीक अपना देना पड़ेगा जिसमें तुम्हें डेली 1 वीडियो डालनी है, इससे ऊपर नहीं जाना है, ओनली 1 वीडियो पर डे, और हर एक दिन एक शॉर्ट डाल के ट्राई करना। उसके बाद देखो, तुम्हारी कुछ वीडियोज में व्यूज आएंगे और कुछ में नहीं आएंगे, तो अगर ऐसा होगा तो समझ लेना वहाँ पे तुम्हारे कंटेंट में कमी है, वो कंटेंट तुम्हारा है ही नहीं, या फिर तुम उसमें एफर्ट्स डाल ही नहीं रहे हो। एंड इसकी एक और पॉसिबिलिटी है, तुम शॉर्ट्स डालोगे, तुम्हारे स्टार्टिंग के कुछ दिनों में व्यूज नहीं आएंगे लेकिन लास्ट के 3-4 दिनों में तुम्हारी हर एक वीडियो पे पुश मिलेगा। तो समझ लेना तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, और उस टाइम पे तुम्हें ये करना है, उस टाइम पे तुम्हें बस कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है और रेगुलर रहो। जैसे तुम 1 day 1 वीडियो डालते हो तो एक ही डालो, हफ्ते में एक डालते हो तो हफ्ते में एक डालो। मैंने YouTube शॉर्ट्स में एक और चीज नोटिस की है, अगर तुम्हारा एक शॉर्ट्स चैनल है जिसपे तुम लॉन्ग वीडियो डालते हो तो तुम्हारी शॉर्ट्स की रीच बिल्कुल खत्म हो जाती है। और हाँ, मैंने यहाँ शॉर्ट्स चैनल की बात की, लॉन्ग चैनल में शॉर्ट वीडियो डालने से कोई रीच खत्म नहीं होती। और ये टॉपिक भी बहुत मेन है, अगर तुम्हें इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए वो भी ले आऊंगा, कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। हाँ, एक और बात, जैसे तुमने ये सारे मेरे मेथड्स अप्लाई कर लिए, तुम डेली वीडियो डाल रहे हो, उसके बाद तुम्हें YouTube स्टूडियो के एनालिटिक्स में जाना है। वहाँ पे तुम्हें और कोई चीज नहीं देखनी है, ना व्यूज, ना लाइक्स, ना कमेंट्स, तुम्हें सिर्फ ऑडियंस रिटेंशन देखना है। अगर तुम उस हिसाब से देख लो अपना ऑडियंस रिटेंशन कैसा है, 50 सेकंड की वीडियो है, 40 सेकंड लोग देख रहे हैं, तो मतलब यू आर परफॉर्मिंग गुड। उस टाइम पे तुम्हें मेंटेन करना है अपना वीडियोस, जैसे तुम तभी कर रहे हो वैसे ही करते जाना है। और एक और बात, बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों की वीडियोस उठा के डाल देते हैं, फिर बोलते हैं भाई हमारे व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो व्यूज कैसे आएंगे भाई, जब तक तुम्हारा खुद का कंटेंट नहीं होगा। फिर तुम दिन में 50 वीडियो भी डाल लो वो नहीं चलेंगी। तो यूट्यूब शॉर्ट्स में तुम्हें एक चीज ट्राई करनी है, जितना भी हो सके खुद का कंटेंट बनाओ। देखो, अगर तुम एफर्ट्स डालोगे तभी तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड मैं ये भी सोच रहा हूं कि बहुत से लोग जिनको पता नहीं चलता कि हम वीडियो में गलती क्या कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बताऊं कि तुम क्या गलती कर रहे हो, उसे तुम सही करके फिर तुम्हारे व्यूज आने लग जाएं, जिसके लिए मैं बाद में इंस्टाग्राम बना दूंगा, उस पे चेक कर लूंगा। लेकिन अभी के लिए तुम्हें कमेंट सेक्शन में अपने नाम बता देना चैनल का, और बता दो अपना इशू, मैं ट्राई करूंगा जितना हो सके मैं सॉल्व कर सकूं। तो यही थी आज की वीडियो, और मिलता हूं मैं किसी और वीडियो में। टिल देन, बाय।